नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसी चीज लेके आ रहा हूं जिसकी हम खूब सब्जी खाते हैं और दवाई के हिसाब और औषधि के हिसाब से इसका अद्भुत गुण है और हम इस तरह की चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर अभी तक पहली बार आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में आइकॉन की घंटी बजा के आप उसके ऑल पर अगर वो आप सेलेक्ट कर लीजिए तो हमारे तमाम सभी जो नोटिफिकेशन है मिलते रहे। आज का जो महत्वपूर्ण औषधि है या सब्जी है या उसका जो भी आप नाम दे सके वो ये कह सकते हैं, वह है कौच। हम लोग अपने गांव में उसको कवचुआ कहते हैं, कवाच कहते हैं ना। बारातर में लोग को कवाच का वो बाहर का रोआ अगर छीट देते हैं शरीर पर तो समूचा देह नोचते नोचते लोग परेशान हो जाते हैं। ये इसको कहते हैं वेलवेट वीन या हॉर्स आई वीन और लैटिन में इसको कहते हैं न्यूकुना मुरियंस। चलिए जो कहते हो आपके क्षेत्र में भी जो कुछ कहते हो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके उसका नाम लिख दीजिए और इस पर चर्चा करना बहुत मैं दिखा रहा हूं। देखिए यही है ये कौच, इसकी लता जो देख रहे हैं सेम के समान ये देखिए इसके जो होते हैं ये लतर लटक जाते हैं वृक्षों पर या आप वो अलान वगैरह जो देते हैं। इसके पत्ते 3 से 5 इंच लंबे, देखिए तिकोना टाइप का और सेम के तरह ही होता है फूल जो था से 1.5 इंच लंबे और नीले बैंगनी रंग का, 1/2 से 1 इंच का इसमें डंटल भी होता। फली जो होती है 2 से 3 इंच लंबे, थोड़ा सा टेढ़ी और ऊपर से एक रोएदार सेम से थोड़ा वो दूसरे तरह का और अंदर पीलापन लिए सफेद काले उसके चपटे होता है और 5-6 उसमें बीज होता है जो बड़ा उसका गुण होता है। देखिए इनका जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें रेजिन टेनिन मैग्नीशियम आदि इसमें पाए जाते हैं। इसका गुण जो होता है बहुत जबरदस्त गुण वाला, मीठा तो होता ही है, कड़वा होता है, सुपाच्य होता है, चिकना। इसका मुख्य प्रभाव प्रजनन तंत्र पर पड़ता है, ये सुपर कारक होता है। आपके अगर किसी तरह के आपके प्रजनन तंत्र में गड़बड़ी हो, आप वो स्वप्न दोष के शिकार हो रहे हैं, आप वो धातु क्षीणता के शिकार हो रहे हैं, आप ध्वज भंग यानी नपुंसकता के शिकार हो रहे हैं तो फिर आपका कौच जो है वो बिल्कुल आयुर्वेद का वो व्याग्रा उसको कहिए। ये शुक्र कारक होते हैं, शुक्र की मात्रा भी बढ़ाता है। अगर आपका उसका जो स्पर्म काउंट घट रहा हो जिसके कारण आपको संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो फिर आपको कौच बड़ा लाभकारी होगा। ये बलकारक है, कृमि नाशक है, मूत्रल है, धातु वर्धक है और त्रिदोष नाशक यानी कप पित्त वायु के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में उसको नाश करता है। ये तो यूनानी पद्धति में बताया गया है, उनका मानना है कि इसका जड़ ऋतुस्राव नियामक होता है। ऋतुस्राव नियामक का मतलब हो गया कि महिलाओं को अगर ऋतु चक्र में अनियमितता है, गड़बड़ी है, दर्द है, कुछ भी हो तो उसमें इसका जो जड़ है वो बड़ा लाभ करता है। और इसका धुआं, इसके जड़ को अगर जला के उसका धुआं अगर प्रसूति के यौनांग के में उसका धुआं लगाया जाए तो प्रसव पीड़ा बहुत कम होता है और आपके जो वो प्रसव का कार्य संपन्न हो जाता है बड़ा आसानी से। इसके पत्ते ऊपर भी चर्चा हुई कि कामोद्दीपक, पौष्टिक, कृमिनाशक, रक्त शोधक, ये सब यूनानी पद्धति वालों लोगों का कहना है लेकिन आयुर्वेद में भी कम नहीं है। देखिए आयुर्वेद वालों ने इसे वाजी कारक माना। वाजी कारक क्या? महान वाजी कारक। वाजी कारक का मतलब है कि आप अपने विस्तर पर जाते ही आप अपने आप को मजबूती अनुभव करेंगे वह कौच के प्रयोग करने के कारण। और ये उत्तेजक भी होता है, स्तंभक भी होता है, धातु वर्धक भी होता है। उत्तेजक यानी आपके अगर शिश्न में उत्थान नहीं आ रहा हो तो उसकी उत्तेजना पैदा करता है। आपका वो स्तंभक बहुत देर तक आप टिकते हैं मैदान जंग में
और धातु वर्धक होता है, आपकी शक्ति भी बढ़ जाती है। इसके ऊपर से इसकी जो फली के ऊपर रोआ होता है, तो रोआदार हमने कहा था, ये कृमिनाशक होता है। मगर इसका कुछ भाग जो आंतों में अगर संचित रह जाता है, जब इसका प्रयोग करते हैं दांतों में संचित रह जाता है और वह पेट में जलन उत्पन्न करता है। और इसके बाद अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप जुलाब ले लीजिए, उसके बाद जुलाब ले लेना चाहिए ताकि उसके पेट में आंतों में जो अगर संचित रह गया वो निकल जाए। देखिए जंगली कोच जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, उसके जो रोआ हाथ देह में सट जाएगा तो आपको नोचते नोचते परेशान कर देता है। तो वैसी स्थिति में आप उसमें गोबर, गाय का गोबर उसमें लेप कर दें तो आपको उसमें आराम मिल सकता है। कांच के बीज जो होते हैं उसको हमेशा शुद्ध कर लिया जाना चाहिए। उसको क्या करना है कि कांच का बीज आप बाजार से जब भी लाइए तो उसके दूध में उसको उबाल लीजिए रात में, और जब उबाल लीजिएगा फिर उसके छिलके अलग हो जाएंगे, तब सुखा के आप उसके चूर्ण का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, यह तो कृमिनाशक होता है, इसके ऊपर का जो रोआ होता है वो राउंड वर्म को स्पर्श मात्र से ही वो राउंड वर्म के लिए बड़ा लाभ होता है। जो उसको हम सेवन करते हैं तो उसके स्पर्श मात्र से कृमि जो होता है वो जख्मी होकर के बाहर निकल जाता है। लेकिन एक बात आपको याद दिलाए कि उसके बाद आपको जुलाव लेना चाहिए, काहे कि उसका कुछ भाग अगर पेट में रह जाएगा तो काफी जलन और खुजली उत्पन्न कर सकता है अंदर में, जो परेशानी का कारण है। ये वात नाशक भी होता है, इसके जड़ का क्वाथ जब हाथ पांव का हिस्सा में वात से ग्रस्त हो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। डायरिया और ज्ञान तंतुओं में शक्ति और सन्निपात में भी इसके उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए कैंपबेल एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए, वो नागपुर और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इसका प्रयोग संधिवात या ज्वर में जो मूर्छा आ जाता है उसके लिए, और साथ ही जलोदर में भी इसका जो जड़ के को पीस करके लेप करने से उल्टा होता है। वेस्ट इंडीज, वेस्ट अपने देश में नहीं दूसरे देशों में भी हमारे कोच का कमाल आप देखिए कि वेस्ट इंडीज में इसका जड़ क्वाथ का प्रयोग मूत्रण मानते हैं लोग, इसका मूत्राशय के किसी भी रोग में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए आपके फाइलेरिया हो गया हो, गोड़ फूल गया हो, हाथ फूल गया हो, जिसको स्लीपर कहते हैं, इसके जड़ का लेप किया जाना चाहिए। देखिए डायनार और इनके विचारों से कर्नल चोपड़ा भी सहमत हुए, वो बताया कि उत्तम कामोद्दीपक, कामोद्दीपक मतलब आपकी काम उत्तेजना बढ़ाने वाला, जर जो होता है स्नायु मंडल में ताकत लाता है, पक्षाघात में भी लकवा में भी। आप देखिए तमिल में इसका जड़ का प्रयोग जो करते हैं वो इसका रस को ठंडा करके शहद में मिला के इसका करते हैं, ये तमिलनाडु में, तो ये पक्षाघात में करते हैं, तो दूसरे जगह भी करते हैं। देखिए डॉक्टर दत्त ने भी इसे स्नायु मंडल नर्वस सिस्टम को ठीक करने वाला बताया, ये बताया है कि ये मुंह का लकवा हो चाहे आधे अंग में लकवा मार दिया हो उसमें आप कौच के जड़ का, कौच के बीज का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए सबसे बड़ा बात है हमारे महिलाओं के लिए, प्रसव के बाद क्या होता है योनि थोड़ा ढीला हो जाता है, और योनि संकोचन के लिए आप तरह तरह की बातें करते हैं, बाजार से महंगी महंगी दवाइयां खरीदते हैं। आप अगर क्रोच का जड़ का काढ़ा बना लीजिए और उसको कपड़े में भिंगा लीजिए और तर करके एक बत्ती बना लीजिए, और बत्ती को अपने योनि में डालने से आपको देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपका योनि पूरा का पूरा टाइट हो जाएगा। तो आप इसका प्रयोग कीजिए, देखिए कितना आसान है। इसके बहुत सारे योग बाजार में मिलते हैं, योग में मैं आपका वानरी वाटिका, कोंच पाक और वानरी चूर्ण करके बाजार में मिलता है, जिसको आप दूध में लेने से आपकी काम उत्तेजना बढ़ती है और काफी उसमें दूसरे चीज भी मिलाए जाते हैं और इसके काफी लाभकारी है। तो इस योग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं बाजार से लेके, और कोंच बीज का भी कर सकते हैं। देखिए आप इस शब्द को देखते हैं, ये जो बातें हुई इस पर पूरा का पूरा ध्यान दीजिए, और आपको कुछ लाभ बुझाता हो या हमसे कुछ छूट रहा हो
तो आप कमेंट बॉक्स में इंडिकेट कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में उसको शामिल करूं। दूसरी बात है कि आप हमसे बात भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अलावा। हमारा नंबर तो आपको पता है 9430416408। और हमारे यहाँ देखिए डायबिटीज, आपके ल्यूकोरिया, गुप्त रोग, चर्म रोग और जॉइंट पेन के अलावा वो पाइल्स, इस सब का लगभग काफी अजमाया हुआ इलाज हमारे यहाँ है। और आप आइए, निसंकोच आइए। और मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ जब आइए तो हम आपको आहार प्रक्रिया से भी आपको ठीक करें। आहार प्रक्रिया हमने एक आरोग्य आहार की योजना बनाई है जिस पर एक वीडियो भी हमने डाला है कुछ दिन पहले, आप उसको भी सुनिए। आप अगर आहार योजना को के अनुसार चलते हैं तो फिर आपको कोई रोग आपके पास फटकने नहीं पाएगा। और आहार योजना में तो आपको खुद अपने शरीर के में खाना आपको कुछ करना, पैसे आपका अपव्यय नहीं होंगे। तो आहार योजना को अपनाइए और अपने को स्वस्थ रखिए। हमारे इस हर्बल पॉइंट जो बेगूसराय रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन के पास है, आप आइए, आपका स्वागत है। मैं आपकी सेवा में सतत तैयार हूँ। नमस्ते।